जहाँ तक विभाग की बात है, पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी को और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब को और गृह मंत्री अमित शाह जी को तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ जो जिम्मेदारी दी गई है। दूर संचार का विभाग देश के एक एक नागरिक के साथ जुड़ा हुआ विभाग है। आधुनिक दुनिया में आज ये एक अति महत्वपूर्ण संसाधन हर एक मनुष्य का बन चुका है, चाहे वो ग्रामीण इलाके में हो या शहरी क्षेत्र में हो। भारत में मोबाइल की पेनिट्रेशन आज करीब 70-80% तक पहुंच चुकी है। 120 करोड़ मोबाइल आज हमारे देश में है। लेकिन उसी के साथ साथ आज हमारी प्राथमिकता है कि 4G की कनेक्टिविटी और पेनिट्रेशन बढ़ाया जाए। भारत आत्मनिर्भरता के तरफ तेजी से बढ़ रहा है, तो जो टेलीकॉम इक्विपमेंट आज देश में लगाया जा रहा है वो भी भारतीय अनुसंधान के आधार पर लगाया जाए। और विश्व में पहली बार भारत ने अपना स्वयं 4G स्टैक बनाया है, और विश्व में केवल 3 अतिरिक्त देश हैं जिनके पास ये टेक्नोलॉजी भारत के अतिरिक्त हो। तो आज उस दुनिया के नेतृत्व में भारत ने प्रवेश कर लिया है। 4G स्टैक के आधार पर 4G का पेनिट्रेशन 100% तक हो पाए देश में। इसके लिए करीब करीब 1,00,000 BTS की संख्या से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। उसी के साथ भारत नेट की जो एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उस भारत नेट की योजना के आधार पे भी ऑप्टिकल फाइबर केबल एक एक उपभोक्ता के पास, चाहे शहरी इलाके में हो ग्रामीण इलाके में हो, BSNL के द्वारा हम लोग पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। और दूरसंचार विभाग के साथ जुड़ा हुआ एक और महत्वपूर्ण विभाग है, और वो है मेरा डाक विभाग। उसके साथ एक आत्मीयता का मेरा रिश्ता है, क्योंकि दूरसंचार और डाक विभाग का प्रभार मैंने 2007 और 2009 के बीच में भी संभाला था। मैं मानता हूँ कि डाक सेवा जनसेवा का एक बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, और आज हमारे डाक केंद्रों को एक नई परिभाषा में जनता के समक्ष उपयुक्त रूप से हम लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर, लोग, मैं मानता हूं कि विंडो टू द वर्ल्ड हमारा डाकघर होना चाहिए, दुनिया की खिड़की होनी चाहिए आम जनमानस के लिए, और हर सेवा हमारे डाक सेवा डाकघर से मिल पाए। हमारा इंडियन पोस्टल पेमेंट्स बैंक की भी शुरुआत हो चुकी है, ताकि डिजिटल पेमेंट्स भी हमारे सरकारी तंत्र से हो पाए, और उसमें भी तेजी से हम लोग वृद्धि ला रहे हैं। इसी के साथ उत्तर पूर्वी राज्यों का भी प्रभार मुझे दिया गया है, कल से मेरा प्रवास वहाँ भी शुरू हो रहा है। मेघालय और असम से शुरुआत मैं कर रहा हूँ, और हर एक राज्य का एक कंपैरेटिव और कंपेटिटिव एडवांटेज की स्ट्रेटजी के आधार पर हर एक राज्य की सरकार के साथ बैठकर निर्णय करके उस पर भी हम आगे चलेंगे। एक पेड़ और आए हैं यहाँ पर पौधारोपण आपके द्वारा भी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 तारीख को ये कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जो विश्व पर्यावरण दिवस पर। और मैं मानता हूँ कि पिछले बार 2015 में 5 करोड़ पौधे हमने देश भर में लगाए थे, और इस वर्ष भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और एक एक नागरिक इस देश में मिलकर एक नया कीर्तिमान देश के अंदर नहीं लेकिन विश्व स्तर का कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आखिरकार ये पृथ्वी माँ ही हमारी माँ है, ये नदियाँ ये पहाड़े हमें संरक्षण देते हैं, और उनका संरक्षण करना हर मनुष्य की जिम्मेदारी होती है, और ये एक जिम्मेदारी इस पीढ़ी पर है, ताकि जो विरासत में हमें मिली है पृथ्वी, उस पृथ्वी को उससे ज़्यादा बेहतर दिशा में और दशा में हम आने वाली पीढ़ी को सौंप पाए। सर, आपके पास नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, उससे निपटने के लिए क्या कदम उठाएंगे? जहाँ तक एक एक राज्य की विकास और प्रगति है, भारत सरकार के 54 राज्यों की
जो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट है उसका 10% अंश उत्तर पूर्वी राज्यों में खर्च किया ही जाना चाहिए। मेरी जिम्मेदारी विकास और प्रगति की है, उस जिम्मेदारी को मैं पूर्ण तरीके से निभाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।